बैरिस्टर गौर साहब 8 सितंबर को कौन बताएगा कि जलसा फिर से मंसूख हो गया? नहीं, इंशाल्लाह ताला जलसा मंसूख नहीं होगा, ये अटल फैसला है, इंशाल्लाह ताला जलसा होगा, कर साइड भी फाइनल हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला सर ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि अटल फैसला, ये चौथी पांचवी दफा अटल फैसला होता है सर, तो फिर जाके मंसूख हो जाता है। ये बताइएगा पहले पीटीआई का बयानिया था कि खान साहब परसों या होंगे, आज होंगे, 3 घंटे में होंगे, वो बयानिया किसी की तरफ से अब नहीं आ रहा, तो खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे कोई? नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं रहेंगे, उनके लिए बिल्कुल स्ट्रगल हमारा शुरू है और जारी है इंशाल्लाह ताला, अदलिया से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला होंगे और खान साहब रिहा होंगे। महमूद खान, अब जो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो जिस तरह शहबाज शरीफ को गले लगा रहे, मुस्कुरा रहे, तो पीटीआई से रास्ते उनके जुदाई समझे? नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते किसी के साथ जुदा नहीं होते, इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब एक लीडर है, उनके सबके साथ ताल्लुक है, लीडर्स हमेशा मिलते भी हैं, वो डिस्कस भी करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। एक बात पे हम इन प्रिंसिपल एग्री करना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट में जब हम हो, चाहे वो नेशनल असेंबली है चाहे वो सेनेट है, दोनों पार्टीज हम मुश्तरका लाह अमल अडॉप्ट करें, ताकि अगर कोई कानून साजी हो रही हो तो हम आईन और कानून के मुताबिक कानून साजी करें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जब से आई है इनकी कानून साजी भी चुपके है, कोई पता नहीं होता, सप्लीमेंट्री एजेंडा लेके आते हैं, फिर रूल सस्पेंड करवाते हैं, फिर उसको रख लेते हैं, इवन इनके एमएनएस को आप नहीं पता होता, बल्कि सो मच सो लास्ट टाइम इनके एक एमएनएस साहब अपना जो बिल पेश कर रहे थे वो रीड आउट कर रहे थे, बट उसको आप नहीं पता था कि जिस सेक्शन में वो चेंज करना चाहते हैं, वो जो सेक्शन है जिसमें वो चेंजेस लाना चाहते हैं, वो सेक्शन बेसिकली है किसके बारे में? सोशल मीडिया सेल बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह मतलब कोई भी चीज़ होती है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बैरिस्टर गौर अली खान, अली अमीन गंडापुर साहब की कंपेन उनके खिलाफ चलाई जाती है कि खान साहब का रिहाई का वाहिद रास्ता है कि सड़कों के ऊपर आया जाए, ये मौजूदा लीडरशिप इनको आवाम को इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि आप बाहर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, किंग पार्टी नहीं है, सोशल मीडिया वाले अगर हमारे खिलाफ भी स्टेटमेंट देते तो हम उनको वेलकम करते हैं, वो उसको बुरा नहीं मनाते, उससे हम सबक सीखते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब आखिरी सवाल, आप चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम भी बात करें, तो अभी जो है जनरल बाजवा के खिलाफ जिस तरह खान साहब के पहले स्टेटमेंट थे, अभी उनके खिलाफ बयान आते रहे, ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी बात हो फिर जो मौजूदा हाफिज साहब है जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ आप लोग प्रोपेगंडा करना शुरू कर दे कि इन्होंने हमें निकाल दिया, ये हो गया वो? देखिए प्रोपेगंडे हर तरफ से खत्म होने चाहिए, प्रोपेगंडों ने तो मुल्क का नुकसान किया हुआ।